ऑन हो गया इसलिए फिर से बोलना। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो मानव श्वसन तंत्र में हम लोग देखें कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है आपका मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु में आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पर्यावरण के मध्य जो कोशिकाओं के माध्यम से विनिमय होता है, ऑक्सीजन का विनिमय होता है, उसे हम लोग बोलते हैं श्वसन, ठीक है। और रक्त जो है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को, ठीक है, जो हम लोग हवा सांस में लेते हैं उसमें जो हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को कोशिकाओं तक पहुँचाता है और कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करके फिर से फेफड़ों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है। तो इसे हम बोलेंगे श्वसन। मतलब क्या है कि हवा से ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना, फेफड़ों में उसका ऑक्सीजन का अवशोषण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़े के द्वारा बाहर वायुमंडल में छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वसन, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं है ऐसा याद रखने का। हम लोग सिंपल जाने कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, श्वसन, ठीक है। अभी देखिए, तीन नंबर स्लाइड पे आ जाए, एक मिनट, यहाँ पे दो नंबर। अब हमारा जो श्वसन है, तो मानव श्वसन तंत्र में हम लोग आए। मानव श्वसन तंत्र को हम लोग तीन भाग में भाग बांटते हैं। पहला आपका है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा है निचला श्वसन तंत्र और तीसरा है श्वसन, तीसरा है आपका नहीं यही है श्वसन मांसपेशियों में के मध्य डायफ्राग्म। तो एक, दो और तीन, पहला आपका पार्ट है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा पार्ट है निचला श्वसन तंत्र, ये दो ही है, ठीक है। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र आदि शामिल हैं। नासिका मतलब नोज, मुख मतलब माउथ, ठीक है। और इस सबका इंग्लिश वर्ड मिलेगा नीचे। स्वर यंत्र मतलब वोकल कॉर्ड, कंठ। ग्रसनी मतलब शायद लंग्स, या ऐसे लंग्स मतलब फेफड़ा होता है, अभी देख लेंगे नीचे हिंदी वर्ड एग्जैक्टली पूरा। इंग्लिश से हिंदी मत कीजिए, हिंदी को हिंदी में पढ़िए। विंड पाइप नहीं, दूसरा होता है निचला श्वसन तंत्र, इसमें श्वास नली, फेफड़ा, श्वसनी जिसको ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स कहते हैं, श्वासनिका, और कुपिका को बोलते हैं वही आपका एल्वियोली, कुपिका, एल्वियोली। ये सब का टर्म है नीचे लिखा हुआ, आप अभी यहाँ पे यही नोट कीजिए कि ऊपरी श्वसन तंत्र डैश डाल दीजिए, नासिका, मुख, ग्रसनी या स्वर यंत्र, बस खत्म लिखिए यहाँ पे ऐसे, ऊपरी श्वसन तंत्र डैश नासिका मुख ग्रसनी स्वर यंत्र, खत्म, यही चार पॉइंट लिखना, ठीक है। और दूसरा है आपका निचला श्वसन तंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, कुपिका, स्वर यंत्र, नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र, और निचला श्वसन तंत्र श्वास नली, फेफड़ा, ब्रोंकाई लिख लीजिए, सबसे बेस्ट है श्वसनी या फिर श्वसनिका, श्वसनी और श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स, कुपिका इत्यादि शामिल है। और श्वसन का जो मुख्य प्रोसेस है वो डायफ्राग्म के सिकुड़ने या फैलने से होता है, ठीक है। तो यह श्वसन मांसपेशियों में मुख्य रूप से मध्य पट डायफ्राम के वजह से होता है, ठीक है। इसके संकुचन से वायु फेफड़ों में आती है और शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन से वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि डायफ्राग्म में क्या कंट्रैक्शन एंड डायफ्राग्म में क्या रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब शिथिलन, मतलब अपने अवस्था में वापस आना, शिथिल होना, और संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डायफ्राग्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हवा कहाँ जाती है, फेफड़े के अंदर घुसती है। संकुचन का मतलब ऐसे, जैसे ये डायफ्राम नॉर्मल है, ऐसे ऐसे हुआ तो ये जो ऊपर का जगह है ना वो बड़ा हो गया, तो हवा अंदर घुसा है। थर्ड नंबर लिख लीजिए, श्वसन मांसपेशी में मुख्य रूप से डायफ्राग्म की वजह से होता है, आता है लिखा हुआ है बट की वजह से होता है,
डायफ्रैग्म की वजह से होता है, संकुचन से वायु प्रविष्ट करती है, शीतलन से वायु बाहर निकलती है। संकुचन से वायु प्रविष्ट करती है, शीतलन से वायु बाहर निकलती है। ठीक है, और शीतलन मतलब बाहर निकलता, मतलब हम सांस को बाहर फेंकते हैं। बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं? नासिका, नासिका मुख, नासिका मुख, बोलिए पढ़िए, ग्रसनी, स्वतंत्र नहीं स्वर तंत्र, हाँ स्वर यंत्र, स्वतंत्र नहीं स्वर यंत्र। ग्रसनी भी आएगा इंग्लिश वाला नाम टर्म, अभी हम लोग हिंदी पढ़ा तो फिर इंग्लिश टर्म क्यों पूछते हैं आप? जब हम इंग्लिश पढ़ाते तो हिंदी पूछते हैं, हिंदी पूछते तो अभी उसका टर्म नीचे आएगा, डोंट वरी। नहीं, इसका इंग्लिश टर्म नीचे लिखा है अभी, आप डोंट वरी, कम टू डाउनवर्ड नेक्स्ट पेज। और निचला स्वतंत्र में, श्वसन तंत्र में क्या आएगा? श्वास नली, फेफड़ा, हाँ ब्रोंकाई को बोलते हैं श्वसनी, और श्वसनिका और कुपिका, कुपिका। तो पांच चीज हो गया, श्वास नली, फेफड़ा, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका। श्वास नली, फेफड़ा, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका, है ना? क्या क्या पांच है निचला श्वसन तंत्र में? श्वसनिका और कुपिका, ठीक है। और हम लोग जो सांस लेते हैं, मतलब जो श्वसन चलता है, किसकी वजह से होता है? तो जब डायफ्राम संकुचन करता है, मतलब संकुचन मतलब ऐसे, तो जब मेरा डायफ्राम नीचे जाएगा, मैंने सांस लिया, अब जब ये रिलैक्स हुआ, अभी डांस नहीं कर रहे हम, नहीं भरतनाट्यम नहीं कर रहे, हम सिखा रहे हैं कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम रिलैक्स किया, समझे? एक बार एकदम ऐसे याद हो, एक बार हाथ करके याद हो जाएगा कि डायफ्राम कैसे संकुचन करता है। ऐसे संकुचन है और रिलैक्सेशन है, नॉर्मल पोजीशन को बोलते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्लाइड नंबर, हाँ लिख लिए, नहीं ठीक है, नंबर तीन ऊपर है क्या? एक मिनट देख लेते हैं ऊपर में, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बस बस, शीतलन से बाहर निकलती, श्वास बाहर निकलती, शीतलन से श्वास बाहर निकलती है, शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया। श्वसन की प्रक्रिया दो स्तरों पर संपादित होती है। संपादन मतलब क्या होता है? मैंने कंप्लीट होना है ना, तो दो स्तरों पर संपादित होती है श्वसन की प्रक्रिया, दो स्तरों पर संपादित होती है। पहला होता है वाह श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक श्वसन, मैंने बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो बाहरी श्वसन में देखिए, बाहरी श्वसन का मतलब क्या हुआ? हमने हवा खींचा और हवा फेंका, श्वसन की प्रक्रिया दो स्तरों पर संपादित होती है। एक बार अभी पूरा देख लीजिएगा ना, 22 स्लाइड है और उसके बाद 28-30 क्वेश्चन है, फिर आपको इससे एक क्वेश्चन बचेगा नहीं, है ना? फिर आप बोलेगा पूछो क्या पूछते हो, तुम पूछो हम बताते हैं, गिनो, गिन लो क्या क्या पूछते हैं। हाँ, संपादित होती है, पहला है बाहरी श्वसन और दूसरा तांत्रिक श्वसन। तो बाहरी श्वसन का मतलब सिंपल सा है कि हम बाहर से हवा लिए और बाहर हवा छोड़ दिए, और उसका जब हमारा आंतरिक जब हवा पहुंचा फेफड़े के अंदर, तो आंतरिक श्वसन आता है। और आंतरिक श्वसन में हमारा गैसों का विनिमय, कैपिलरीज में प्रवाहित रक्त और उत्तकों के मध्य विसरण, मतलब डिफ्यूजन, जो हम लोग बात कर रहे थे। डिफ्यूजन क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या थ्रू अ मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन के थ्रू अगर जाता है एक मटेरियल हायर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ,
उसको बोलते हैं डिफ्यूजन विसरण, है ना। अगर इंग्लिश इंग्लिश तो बहुत आसान है। हाँ हाँ लिखिए। अच्छा पूरा लंबा लंबा लाइन मत लिखिए। देखिए आंतरिक श्वसन डैश गैसों का विनिमय कैपिलरीज डैश रक्त और उत्तकों के मध्य विसरण खत्म। अब होता होता तो होगा, है ना, है ना। इस पूरा सेंटेंस लिखा तो लंबा हो जाएगा। एकदम मेन मेन वर्ड, मुख्य मुख्य शब्द, विनिमय गैसों का विनिमय। अब कौन सा गैस? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हेडलाइन है श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। तो आंतरिक और रक्त और उत्तकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। कैपिलरीज को कैपिलरीज ही कहते हैं हिंदी में भी शायद। और जो एपिग्लॉटिस, इसको बोलते हैं घाटी ढक्कन। एपिग्लॉटिस पता है जो ऊपर में घंटी जैसा रहता है ना, घाटी ढक्कन है। नहीं आप लोग बहुत हमको बोलते थे सर हिंदी में पढ़ाइए हिंदी में पढ़ाइए, तो मैंने सोचा कि चलो, जिसलिए हम जीव विज्ञान की बात किए तो हम यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना एपिग्लॉटिस। टर्म इंग्लिश में भी हिंदी में भी, बट हिंदी टर्म भी पता होना चाहिए ना, ये तो आपके कुछ भाई बंधु है ना। हाँ तब हिंदी में पढ़ा, सही बात है। खास करके मेरा ज़्यादा आप लोग शिकायत किए एकदम, मैंने इतना ऊपर चला कि भगवान के दिन फोन कर दिया, शंकर भगवान। क्योंकि घाटी है, दो घाटी है, एक आहार ने ली एक भाइयों ने ली। एपिग्लॉटिस EPIGLOTIS। और उसके फूलने से आपको गले में खसखस खराश होती है, बोलते भिक्स की गोली लो खिस खिस दूर करो। वही एपिग्लॉटिस जो है फूल जाता है तो भिक्स की गोली खिलाते हैं। और जो भी रहे मतलब कि भिक्स आप खाइए, बगल वाला खिस खिस दूर होगा। और कभी कभी जब आप खाते समय बोलते हैं तो आपका अनाज का दाना जो है श्वास नली में फंस जाता है, जिसको बोलते हैं सरक रहा आदमी ऐसे छिकने लगता है। तो उस समय में सांस खींचना नहीं चाहिए और आपको एक सेकंड के लिए थोड़ा रुक जाना चाहिए, उससे क्या होगा कि जो अनाज है ना वो बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं मतलब आप जैसी अवस्था में, उसी अवस्था में अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए कि हम सांस अंदर नहीं, लोग परेशान होकर और खींचने लगता है तो और अनाज अंदर घुसने लगता है, तो आपको एकदम रिलैक्स होना है तुरंत। कुछ नहीं, सांस ना अंदर ना बाहर, एक मिनट के लिए, तो दो से तीन सेकंड के लिए रिलैक्स कीजिए, अपने आप को फिर तुरंत ठीक हो जाएगा, है ना। भोजन आहार नली में जाए, ठीक है। कौन है? घाटी ढक्कन, पांचवा पॉइंट हो गया। हिपोग्लॉटिस, अब देखिए ये कितना नंबर स्लाइड था, ये है स्लाइड नंबर। अब देखिए पांचवा पॉइंट के बाद छठा पॉइंट है, ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली रचना कंठ है। श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ने वाली रचना कंठ है, और यह नौ उपास्थियों से बना होता है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज। ग्रसनी मेरे समझ में लगता है कि बीच में ग्रसनी छेद होता है, उसको ग्रसनी कहते हैं। यस, ग्रसनी एक तरह का पाइप है, ट्यूब, नली। तो श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ने वाली रचना कंठ है, और यह नौ उपास्थि से, नाइन तरह का कार्टिलेज से बना होता है। तो यह आपको जोड़ सकता है कि कंठ में कितनी उपकार्टिलेज होती है, कितना होता है? नौ। और कितना हड्डी होता है? एक। कंठ में एक हड्डी होता है ना। अब जैसे आप अगर आते लास्ट क्लास में, तो हम लोग इनका इनका गिने थे, क्या नाम है इनका, उत्सव जी का, सब खोल के रख दिए थे, यहाँ दो से छः हड्डी, बाद में सो जाता उसको जोड़ दी, उसमें वही वो कंठ वाला छूट गया था लास्ट में। सुजाता सबको टेस्ट कर करके ये टाग वाला है, जैसे मुर्गा टेस्ट करती है, वैसे बोली ये सब एक एक थोड़ा वो निकल गई गलती से, कंठ कंठ हड्डी निकल गई थी, बाद में बहुत मुश्किल से मिला इनको। श्वास नली सदैव खुली रहती है और पिचकती नहीं है, हमेशा खुली रहती है, पिचकती नहीं है। उसमें बीच में से बोन का कार्टिलेज का ऐसे रिंग रहता है, कभी पिचकता नहीं है, नेवर। और क्योंकि इसकी भीति में सी आकार के उपास्थि कार्टिलेज का छल्ले पाए जाते हैं, मतलब रिंग फंसा दिया गया है ताकि वो पाइप कभी कोलैप्स ना करे, कभी नहीं। और श्वसन के दौरान कुपिकाओं की सतह पर गैसीय विनिमय होता है। कुपिका मतलब एल्वियोली, सही है। कुपिकाओं की सतह पर गैसीय विनिमय होता है। गैस का मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। सी आकार कैसे? रिंग रिंग जैसा,
एकदम छोटा छोटा लिखिए, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस वाक्य लिखने का जरूरत नहीं है, एकदम छोटा छोटा सांस ले सदैव। ये सब क्या है ना कि अभी आजकल का क्वेश्चन में पूछ देगा वो कि श्वास नली खुलती रहती है, पिचकी रहती है, पिचकती नहीं है, खुलती है, तो बहुत अंदर से क्वेश्चन सब ये सब पूछने लगा, क्योंकि टर्म तो हर आदमी रट लिया आज के डेट में, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो श्वसन के दौरान कुपिकाओं की सतह पर गैसीय विनिमय होता है, और कुपिकाओं की सतह को अगर फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र, 100 मीटर वर्ग क्षेत्र को बोलते हैं एक हेक्टेयर, है ना, 100 मीटर स्क्वायर को एक हेक्टेयर कहा जाता है। तो 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेगा, इतना बड़ा सतह, एकदम गांधी मैदान जितना बन जाएगा, पूरा है 100 नहीं, उससे थोड़ा कम। एल्वियोली, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसा, बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं, कुपिका कहते हैं। हो गया, थोड़ा तेज तेज लिखिए। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक को यौगिक का विखंडन होता है और एटीपी बनता है, ग्लूकोज टूट के एटीपी बनता है। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस एटीपी। प्रक्रम माने प्रोसेस, प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ग्लूकोज डैश मार दीजिए एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई सीन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनो सीन SINE, ट्री है तो ट्राई फॉस्फेट, कलर दिख रहा है हरा रंग है, एटीपी बनता है। और ये जो है ऊर्जा कोशिकाओं में होने वाले अन्य क्रिया को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कोशिका का काम क्या है, सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन, है ना, सेल डिवीजन मेन काम है, सेल जनरेशन मुख्य काम है, कोशिका का निर्माण करना, कोशिका का रख रखाव करना, उसके बाद में हाँ एटीपी ऊर्जा है, यह कोशिका अपने अन्य क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा के प्रदान करने में यूज करती है। श्वसन दो तरह का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वायवीय को बोलते हैं, जो एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक हवा की उपस्थिति में होता है, एरोबिक और एनारोबिक। तो वायवीय हो गया एरोबिक, एरोबिक और एनारोबिक, एन एरोबिक, एन एरोबिक ई है ये, एरोबिक एंड एन एरोबिक। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जो बैक्टीरिया होता है, जैसे रूट नोड नोड में पाया जाता है ये आपका लेगुमिनस प्लांट में, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये अवायवीय श्वसन करता है, उसको हवा नहीं चाहिए। अर्थवर्म होते हैं अवायवीय श्वसन करते हैं, उनको हवा नहीं चाहिए। और वायवीय श्वसन मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है ना। एरोबिक में हवा चाहिए, एन एरोबिक में नहीं चाहिए। किसमें हम लोग में नहीं होता, आदमी में, मैन या वुमेन में नहीं होता, ये होता अर्थवर्म में, केचुआ, जोंक, चेरा, आपका राइजोबियम बैक्टीरिया जो दलहन पौधे के जड़ के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को सांस लेता है और नाइट्रेट में बदल देता है और मिट्टी में डाल देता है, जिससे पौधे फिर सांस लेने लगते हैं, है ना। वायवीय श्वसन से जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़े, हो गया, अच्छा कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ऊपर अच्छे ना, है ना, ऊपर ही था ना, अब हो जाए, बाद में दिक्कत नहीं है, जितना प्रॉब्लम शुरू में ही होता है, बाद में दिक्कत नहीं होता है। छे ऊपर है। अब देखिए श्वसन का विस्तृत विवरण किया जाए, श्वसन मुख्य रूप से इतना ही है,
अब इसका विस्तृत विवरण हम लोग बात करें, एक्सप्लेनेशन लार्ज रूप में एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो कोशिकाओं का विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन के द्वारा पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण का मतलब है उसको ऑक्सीजन में मिला के तोड़ना, दहन करना। ऑक्सीकरण को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, मैंने इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। और नहीं नहीं हम कन्फ्यूज नहीं, हम हिंदी इंग्लिश में दोनों एक ही जैसा है। और ऑक्सीकरण जहाँ भी ऑक्सीजन ऐड होता है उसको बोलते हैं दहन, रसायन की भाषा में इसे ऑक्सीडेशन और कंबसन भी कहते हैं, है ना। कंबसन का मतलब ऑक्सीजन के साथ में जलना, तो एक तरह का दहन भी है, इट्स अ कंबसन रिएक्शन, दहन प्रोसेस। हमारे शरीर के अंदर जलता है और जलने से जो हीट निकलता है उससे हमारा शरीर गर्म रहता है। हमारे बॉडी शरीर का बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 30। और थर्मामीटर में कितना दिखाई देगा, थर्मामीटर में 98.4 फारेनहाइट। तो इस क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और तथा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन परम आवश्यक है। और गैसों का यह आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। और रक्त ऑक्सीजन को अपने अंदर घोलकर नहीं मतलब मिलाकर विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुँचाता है, और उत्तक के अंदर सेल को पहुंचाता है, और सेल के अंदर में सेलुलर रिस्पिरेशन कौन करता है, कोशिकीय श्वसन कौन करता है, ये एक मुख्य प्रश्न है, इट्स अ चीफ क्वेश्चन, मुख्य प्रश्न मतलब मेन क्वेश्चन कौन, ये थे बगल वाले हमारे। क्वेश्चन ये रिपीट कर रहा हूं कि सेलुलर, हु डज सेलुलर रिस्पिरेशन, विच ऑर्गेनेल परफॉर्म सेलुलर रिस्पिरेशन, ऐसा सोचाता हूँ सोचने दीजिए। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, प्लास्टिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रश्न यह है, अंकित जी को पूछते हैं, प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन कौन करता है अंग कोशिका के अंदर, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, उसी को पावर हाउस ऑफ, यस आप सही थी, बिल्कुल सही थी, उसी को है बस, हम लोग को थोड़ी जरूरत है, हम लोग थोड़ी सांस लेते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल वही है, है ना। तो इसका हमारे वही वो जो है कोशिका के अंदर में जो रासायनिक प्रक्रिया है ना वही करता है, एटीपी जो ही रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कौन ले जाता है कोशिका के अंदर, रक्त का कौन सा घटक, हेमोग्लोबिन। आप होमोग्लोबिन बोल के भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही होना चाहिए। आप होमो बोलिए, हेमो बोलिए, हेमा मालिनी बोल के बोल सकते हैं कि भाई हेमा मालिनी ले जाती है, हम भी मान लेंगे भाई, वही हेमा मालिनी गोल हो गई, हो गया हेमोग्लोबिन, बात देखिए सर, हेमा मालिनी ले जाती है लेकिन गोल बन के ले जाती है, नो प्रॉब्लम। कौन ले जाती है, हेमोग्लोबिन, कौन ले जाती है साहिली, हेमोग्लोबिन, हेमा मालिनी थी अभी गोल हो गई, ठीक है। 6 हो गया, 7, 7 हम चलिए, 7 नंबर ऊपर है क्या, 6 पढ़ लिए ऊपर ही है, हाँ अब नीचे ही होगा सब, अरे वो आगे पीछे हो गया है, डोंट वरी, फोटो बड़ा बढ़िया, हाँ ये 8-7 नीचे हो गए यहीं पे, अरे सब है मेरे पास, खाली आप थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। हेमा मालिनी जैकी, ये आज नहीं आया, क्या नाम है उनका, अंकित जी, उन्हीं का फोटो तो लगता है हम लोग, आप कोई बता दीजिए, यहाँ पे खाली लिख देते हैं अंकित, वो लगता है लिखा हुआ था मिट गया, देखिए अब अंकित लिखा भी हुआ है, तो अंकित जी के अंदर का हम लोग आज पाठ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे नासा द्वार मुख गुहा है ना, श्वसन नली ग्रसनी, और ये कंठ है, कंठ में कितनी उपास्थि होती है, कार्टिलेज होता है 9, और कितना हड्डी होता है 1, कंठ में कितना उपास्थि 9, और कितनी हड्डी 1,
ईश्वर एक है, नौ दुर्गा इसके अंदर, कंठ के अंदर, समझे। अब ये श्वास नली है, ये देखिए आप पास थी, वलय मतलब सी रिंग जो है यहाँ पे बना हुआ है हमारा, वायु नली में उपास्थि, इसलिए नहीं चिपकता, हमेशा खुला रहता है, पिचकता है, और चिपकता है, पिचकता है, चिपकता है। जो संस्कृत वर्ड, संस्कृत में बोलते हैं चपेटा, असल बोलते हैं एक चपेटा दे दे, तो चपेटा जैसे उसको बोलते हैं चिपकना, जो भी दीजिए, ठीक है। अब देखिए इधर का, ये हमारा दोनों फुफ्फुस है, फुफ्फुस, ठीक है। और नहीं, समझने वाली बात थी, आप लोग हिंदी का डिमांड कर रहे थे, कितना बढ़िया हिंदी, शुद्ध लाए, इतना अच्छा हिंदी कहाँ मिलेगा आपको, तब देखिए उनसे पूछे, एकदम सही है, नहीं एकदम सही है। अरे एक दिन हमको भगवान का फोन आ गया था कि आप लोग यहाँ खाली इंग्लिश से पढ़ाते हैं, हाँ इंग्लिश में समझाते हैं, हिंदी में दिखा देते हैं, नहीं तो वो लोग रजा ले लिया, आप लोग का मंदी कर दी, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, तो समझे ना, हो जाए अभी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ दिन में आपको आदत हो जाएगा। अरे तो आपको याद हो गया ना कि फुफ्फुस कहाँ रहता है, फेफड़ा में, अब मान लिया जाए क्वेश्चन, तो याद रहेगा ना कि फुफ्फुस कहाँ रहता है, फुफ्फुस रहता है फेफड़ा के अंदर, फुफ्फुस का इंग्लिश, वो जो हमारा फेफड़े के सेल को होता है उसको फुफ्फुस कहते हैं, फेफड़े की कोशिकाओं को फुफ्फुस कहते हैं, समझ। देखिए यहाँ पे ये पसलियाँ हैं, कितने पसली होते थे बताया हमको आपको, कितने रीब होते हैं, एक तरफ कितना होता है, एक तरफ 12, और टी सेप को क्या बोलते थे, हड्डी को क्या बोलते थे, टी बोन, क्या बोलते थे उसको, एक बीच में जो हड्डी था टी वाला, 12, 24, 25 बताए थे, क्या बोले थे आपको, बताइए उत्सव जी, कुछ तो था, कुछ था, अब नहीं रहा सर हमारे पास, गुजर गया कल, रात में सोए थे सर, कुछ निकल गया। देखिए देखिए, चलिए नहीं आता तो कोई बात, आगे बढ़, प्रोस्थ थी, उपोस्थ थी, रोस थी, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे आइए, याद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिब्स है, ये हमारा में इधर इधर का लेफ्ट वाला लंग्स है, बायां तरफ का फेफड़ा है, यहाँ पे ये जो जगह है ये हार्ट के लिए, दिल हृदय के लिए दिया हुआ है, और इधर वाला दायां बड़ा होता है, ये श्वसनी है, उसके अंदर श्वसनिका है, और ये कुपिका कोष है, कुपिका कोष का मतलब एल्वियोली वैक्यू या एल्वियोली सेल या कोष को क्या बोलेंगे हम लोग, कोशिका को कोष, हाँ एल्वियोली कोष, कोशिका, यस सही बोल रहे हैं, कोष मतलब ऐसे खाली जगह होता है, ठीक है। और एक कुपिका देखिए, एक कोशिका ऐसा होता है, इस तरह से भरा रहता है बैलून जैसा, और इसमें बहुत सारा कैपिलरीज, बहुत पतला मेम्ब्रेन वाला कैपिलरीज होता है, जिससे ब्लड बहता है बहुत तेजी से, और यहाँ से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, समझ गए। श्वसनी ये जो आया आपका मुख्य वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोले श्वसनी, मेन वाला जो है, जिसको कहते हैं ये, जिससे हवा अंदर जाती है उस पाइप को, जो श्वास नली का जो छोटा पार्ट है वो श्वसनी, और उससे और छोटा पतला पतला हो गया उसको क्या श्वसनिका, और वो श्वसनिका जुड़ गया एल्वियोली से, और ये कुपिका से, और कुपिका का ऐसा स्ट्रक्चर है, यहीं पे आपका गैसों का विनिमय हुआ, और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, और फिर ये हेमोग्लोबिन क्या काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा, तभी तो 80 वर्ग मीटर, समझ रहे हैं, ताजमहल बन जाएगा उस पर, समझे कि नहीं, तो 80 वर्ग मीटर के आसपास है। तो ये हो गया, अब ये डायफ्राम का संकुचन से हवा अंदर आती, प्रवेश करती है, देखिए संकुचन मतलब ऐसे नीचे होना है ना, साहुल जी समझिए, संकुचन मतलब नीचे आना, स्थिर मने रिलैक्स होना, संकुचन ऐसे, संकुचन मने सिकुड़ना, अस्थिर मने रिलैक्स होना, फैलना नहीं, मने अपने पोजिशन में वापस जाना। अभी ये संकुचित किया हुआ है, हवा अंदर भरी हुई है, अभी फैलेगा तो ये सीधा हो जाएगा, इसे थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाए, अभी संकुचन जैसे आप जैसे मान लीजिए मैं रिलैक्स हूँ, भरतनाट्यम नहीं हो रहा है ना, समझ गया। अब 9 नंबर में चलिए फटाफट कर लेते हैं, उसका 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे, 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी, ऊपर था ना, ये अगले क्लास में आपको, अरे ये मैं अपने खुद ही से आपको कराऊंगा। तो नासिका मुख ग्रंथ से ग्रसनी स्वर यंत्र, स्वर यंत्र को लैरिंग्स भी कहते हैं,
फायरिंग्स को फूड पाइप कहते हैं, आहार नली। मैडम हाँ तो कुछ तो हिंदी होगा ना प्रोनाउंसिएशन, हिंदी एक्जैक्टली आप लिख भी नहीं पाइएगा, इंग्लिश वाला सारा नहीं लिख पाइएगा हिंदी में, है ना, सबका अलग अलग ये रहता है। अब आइए नासिका नोज, देखिए हम बोले थे ना सब लिखा हुआ है, नासिका नोज, नोज मैंने यह है एक श्वसन अंग है, बाहर से दिखने वाला एक जोड़ी नासा द्वार के द्वारा होता है, ऐसे फूला रहता है, किसी किसी का नाक लंबा रहता है, किसी का छोटा पतला, सब हो सकता है, ये पढ़ना नहीं श्वसन तंत्र में, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। और नासा ग्रसनी होता है, नोज नेजो फेरिंग्स में खुलता है, और आपको नासिका गुहा में पाए जाने में महिल बाल होती है, ये झाड़ूनुमा पछनाब सीलिया होता है ना, और श्लेष्म आपसी सहयोग से, श्लेष्म का मतलब म्यूकस। हाँ बिल्कुल ज़्यादा करता, सही बात, जिसका बड़ा रहता है वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। हाँ तो आप ज़्यादा सब सांस यहाँ का ऑक्सीजन आप ही ले रहे हैं, हम लोग हट गया एकदम, तब इसलिए यहाँ गर्मी बढ़ गई है। आप कल से नाक बाहर रखे आइएगा। तो और ये स्लेस बोलते हैं म्यूकस को, स्लेस मतलब म्यूकस, ये क्या करता है, आप जो सांस लेते हैं ना तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल रहता है, उसको अपने में जो सटा लेता है, ठीक है, जो बाद में बच्चे लोग नेटा ग्रुप निकाल देता है, ठीक है, तो उसको स्लेस में कहते हैं, घबराने की बात नहीं है, इसको बोलते हैं ना वो डॉक्टर लोग चेक करता है, क्या कहते हैं उसको, बलगम वगैरह वगैरह। तो आपसे सहयोग से श्वास नली में धूलकण वगैरह और जो पराग निकलते हैं फूलों से, वो परागकण और फरूंद माने फंगस इत्यादि को भी शुद्ध करता है। और इसके शुद्धि के पश्चात एक चीज़ और होता है, नाक में अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, हवा का, नाक का सबसे बड़ा काम है हवा का टेम्परेचर बढ़ाना, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 और हवा रूम का टेम्परेचर है 25, यहाँ पे एसी चलेगा तो 10 हो जाएगा, तो अगर ये ठंडी हवा अंदर जाएगी तो एल्वियोली को नुकसान पहुँचाएगा। तो नाक क्या करता है, उसके अंदर में जब तक हवा जाती है उसका टेम्परेचर बढ़ा के हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर देता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडे में जैसे ही आप ठंडा हवा सांस लेना सर्दी हो जाएगा तुरंत, तो बोलते हैं नाक को ढक के रखिए, क्योंकि नाक का एक और फंक्शन क्या है, मेंटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर, हवा का तापमान नाक बढ़ा देता है, बढ़ा देता है शरीर के तापमान के बराबर कर देता है, ठीक है। और इस शुद्धिकरण के पश्चात ही हवा जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है ना। हाँ ये ना बिल्कुल, ये बिल्कुल घर से ससुराल से जहाँ से बात करते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ही का फोन मेरे क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। आपका ससुराल है जो फोन आएगा फिर, अब बगल वाले के ससुराल से आपको क्यों फोन आएगा बताइए, अब इनका क्या बोलते हैं अनमोल जी के ससुराल से आपको थोड़ी फोन आएगा, सर अनमोल आने नहीं देगा, आना भी चाहेगा तो नहीं आने देगा, हमको लगता है कि 7 नंबर ही था लगता है ये यहाँ पे, नहीं 18 है, नहीं है, हो गया 9 हो गया 10 करते हैं, 10 है कहीं पे था देखिए तो 20 15 नहीं है, नहीं 10 नहीं है ना उसमें, देखिए तो आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं क्या, एक बार में सब एक बार में दिखेगा सारा कुछ, फोन में देखिए तो 10 नंबर है तो दिखाइए। लेकिन हम लोग मुँह से भी सांस लेते हैं, आवश्यकता होने पर मुँह भी सांस लेता है, जब नाक बंद हो जाती है तो मुँह ही सांस लेता है, और यह बात ध्यान रखते हो कि मुख से ली गई सांस वायु नासिका से ली हुई वायु की तरह शुद्ध नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर भी अलग रहता है और डस्ट पार्टिकल वगैरह उससे फिल्टर नहीं होता तो शुद्ध नहीं होता, इसलिए आपको बोला जाता है कि नाक से सांस लीजिए, नाक वाला शुद्ध होता है। हाँ बाल जो होता है डस्ट को रोक लेता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह सब ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, लेकिन गैसेज को नहीं रोक पाएगा उसका। देखिए 11 नंबर एकदम सही है, 11 नंबर है ग्रसनी फारिंग्स, ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका मुख पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपर तक फैली होती है, और ग्रसनी को दो भाग में बांटा, तीन भाग में बांटते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और आपका है कौन का तीसरा कौन गया, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधो ग्रसनी या कंठ गुसनी, अधो ग्रसनी कंठ है ना। अब अलग अलग देखिए, नासा ग्रसनी जो नाक से जाएगा वो नाक के से प्रथम भाग होता है, और वायु नासिका से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है, और वहां से मुख से ली हुई इस नाक सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है, और मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लॉटिस मतलब घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स, ठीक है, में तक प्रविष्ट होती है, और घाटी ढक्कन एक, घाटी ढक्कन क्या है 12 नंबर में चले पीछे था क्या, ऊपर होगा कितना नंबर है,
सात नंबर ही खोज रहे थे ना, एपिग्लॉटिस ढाकी घटन की सहायता से स्वरयंत्र लैरिंग्स में प्रवेश होती है और घाटी ढक्कन एक उपास्थि इलास्टिक कार्टिलेज संरचना है जो श्वास नली और आहार नली के बीच एक स्विच का कार्य करता है। एक बार स्विच ऑन तो आहार नली खुला, एक बार स्विच ऑफ तो श्वास नली खुला, और ग्रसनी भोजन निकलने में स्विच का कार्य करता है। ग्रसनी से भोजन खाते हैं, ऐसे में एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरफ में इधर उधर, कभी श्वास नली, कभी आहार नली, कभी श्वास नली, कभी आहार नली की तरफ। और अगर आपको एपिग्लॉटिस देखना है तो किसी का मुंह खोली दिखी ऊपर से ऐसे लटका रहेगा घंटे के टाइप से। हाँ, अपना नहीं दिखाई देगा, दूसरे का दिखाई देगा ज़्यादा। मिरर में दिखते हैं? वाह, आपका मिरर बहुत अच्छा है, इसका मतलब नहीं, हमारा तो मिरर में दिखता ही नहीं, या तो मुंह बड़ा होगा। दो ही चीज़ हो सकता है ना। अब यहाँ से ये हम लोग कर लिए, आगे देखें 13 नंबर है, आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन रिस्पायरेशन कहते हैं, जो कि रक्त और कोशिकाओं के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से होता था। ये कुपिका एल्वियोली है, खत्म हो गया, इसमें तो कुछ था नहीं, तो काहे को इसको पढ़ा जाए, तो कुछ था नहीं इसमें। 13 थी या 14 आ गया वहाँ पे। निचला श्वसन तंत्र में आई, निचला श्वसन तंत्र श्वास नली, श्वसनी, ब्रोंकिल और ब्रोंकाई, और एक क्या था, कुपिका, और फेफड़ा कार्य करता है। ठीक है, अब श्वास नली जो होता है ट्रैकिया है, 5 इंच का लंबा है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है कि श्वास नली जो होता है 5 इंच का है, ट्रैकिया है ना। ठीक है, और इसमें एक जो होता है पक्षभामी स्तंभाकार उपकला, मतलब इपिथेलियल टिश्यू, कॉमनर इपिथेलियल टिश्यू होता है। कॉमनर इपिथेलियल मतलब लंबे वाले सेल्स। कॉमनर इपिथेलियल का मतलब कि जो कवर करता है त्वचा को, उसको बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। और वो कई तरह का होता है, स्क्वायर, क्यूबॉइडल, कॉलमनर मतलब लंबा लंबा सेल। तो लंबे सेल जो होते हैं इसमें होते हैं, क्योंकि श्वास नली लंबी होती है, तो इसकी नली का जो सेल होगा वो भी लंबा लंबा सेल होगा। चाहे समझिए, जैसे कि मान लीजिए 10 धागा को आप ऐसे जोड़ दीजिए, तो कैसे वो कॉमनर ये गोल जैसा बन जाएगा पाइप की तरह, वही इस तरह का मान लीजिए ऐसे ऐसे जोड़ के बनाया हुआ। इसलिए श्वास नली में कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है। और सीलिएटेड का मतलब है ऊपर बाल रहेगा, तो उससे क्या होगा कि सी तो था उसमें वो, ताकि पचके नहीं, वो उपास्थि है, कार्टिलेज है, सॉफ्ट कार्टिलेज, ताकि वो पचकने ना दे। और वो जिससे बना है आहार, वो सांस नली, वो है इपिथेलियल टिश्यू, सतह पे पाया जाने वाला। और कॉमनर का मतलब लंबा लंबा, सीलिएटेड का मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे बाल हो गए, ताकि डस्ट पार्टिकल को और इसको वो वहाँ रोक पाए। समझ के बात, जैसे पाइप है, समझिए तो पाइप पानी का पाइप है, उसके अंदर में बाल लगा दीजिए थोड़ा, तो हो गया सीलिएटेड। पाइप लंबा होता है इसलिए कॉमनर, और एपिथेलियल टिश्यू मतलब कवरिंग वाला टिश्यू, जो सतह को कवर करता है। तो उपास्थि ऐसे लगाया रिंग रिंग, उसके ऊपर से लपेट दिया सेल को, टिश्यू को, कॉमनर एपिथेलियल टिश्यू लपेट दिया, मतलब लंबे लंबे वाले सेल लपेट दिए जिसके ऊपर बाल है। और सी आकार के उपास्थि छल्ले पे बनी होती है, और ये छल्ले जो होते हैं श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं, तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। ठीक है, श्वास नली स्वरयंत्र में जाके खुलता है। ठीक है, इसमें कुछ खास नोट करने वाला नहीं है, खाली ये वाला नोट कर लीजिए कि ट्रैकिया किस चीज से बना है, तो कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू से बना है। किससे बना है, तो कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू से बना है। 5 इंच का लंबा होता है, और सी सेप्ट का हाइलिन कार्टिलेज होता है। हाइलिन जैसे कोई भी कार्टिलेज हम लोग के शरीर में जो हड्डी होती है ना, जनरली प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कैल्शियम और फॉस्फोरस मिला होता है ना, तो वो हाइलिन नाम का प्रोटीन होगा, हाइलिन, और वो कार्टिलेज है, मतलब सॉफ्ट बोन है। ट्रैकिया को ही तो बोलते हैं श्वास नली, नली है। ये बना है कॉलमनर इपिथिलियल टिश्यू से, मतलब लंबे लंबे वाले सेल को बोलते हैं कॉलमनर, और बहुत सारा सेल के समूह को बोलेंगे टिश्यू, है ना। तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल ऐसे गिन के उसको टिश्यू बोलेंगे, और वो लंबा रहेगा, सीलिएटेड रहेगा, उसके ऊपर बाल रहता है। ठीक है, जल्दी ख़त्म करें, 15 हो गया, 14 कुछ नोट करना है नहीं तो मैडम भेजी दी है, 15 देख लेते हैं तुरंत, 15 तो 16 जो भी है, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, एकदम क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक सेकंड में देख लें, और कुछ है, 12 हो गया ना।
बारह तेरह यहाँ पे है, तेरह यहाँ पे लैरिंग्स के कंठ ग्रसनी तो हम लोग कर ही लिए थे, तेरह नहीं नहीं किए थे। देखिए स्वर यंत्र में स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड और वोकल फोल्ड होता है, चौकर कर रहे थे हाँ। और नामक विशेष रचना पाई जाती है। स्वर रज्जु क्या है? कंठ के अंदर में रहता है वोकल कॉर्ड, जो भर जो हिलने से आवाज़ आती है। अगर आप फिजिक्स में पढ़िएगा तो लड़कियों का जो वोकल कॉर्ड है वो ज़्यादा बार हिलता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए उसकी आवाज़ श्रील होती है, मतलब पतली आवाज़ होती है। और लड़कों का जो वोकल कॉर्ड है वो धीरे धीरे हिलता है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम होता है लेकिन हाई एम्पलीट्यूड तक हिलता है, मतलब दूर दूर तक जाता है, इसलिए आवाज़ भारी लाउड होती है। तो हाई एम्पलीट्यूड की साउंड लाउड होगी और हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड श्रील होगी, जिसको पिच भी कहते हैं। तो हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, और हाई लाउड का मतलब हाई एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस एंड पिच, साउंड का दो क्वालिटी होता है। पिच मतलब ज़्यादा नंबर वाइब्रेशन, और लाउड मने दूर तक जाना, मतलब कोई और ऑब्जेक्ट हिलता है तो काफ़ी दूर तक जाता है, उसको बोलेंगे लाउड साउंड। इसलिए बोलते हैं आवाज़ में भारी हो जाता है लड़कों का आवाज़, जैसे से उम्र बढ़ता है और जहाँ तक भारी भारी होता जाता है ना। पंक्षियों की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़ भी काफ़ी श्रिल होती है, झनझनाहट होती है, झनकार की तरह, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज़्यादा नंबर बार वाइब्रेशन करना है। हाँ क्या बोले? हाँ जाइए, आप जाना तो जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, डोंट वरी, हम लोग सब अपने ही है, कोई बुरा नहीं माने। अब कोई मानेगा तो क्या कर लेगा, है ना। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, है ना। गरीब का इतना देर सुने आप, थैंक यू। ओके आगे देखिए, आप लोग को हड़बड़ी नहीं, बस 10 मिनट में छोड़ेंगे। हम समझते हैं आज के दिनों में पढ़ाई बहुत मुश्किल है। अरे यार, क्वेश्चन का बड़ा चक्कर है इसमें, बात करिए। हम एक नंबर कहाँ गया, 18 आ गया, हाँ आ गया, आ गया एक नंबर है कहीं पे। ये सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिलीट नहीं कर सकते तुरंत, डिलीट करना होना तो बाकी को छोड़ दे। आ गया सर, नहीं एक नंबर से हमें चाहिए, 30 से ख़त्म है। हाँ सही बात है, आ गया एक नंबर। एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न क्या होता है? एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? और एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? डीपी का, एटीपी, एडीपी का रिडक्शन डाइफॉस्फेट, तीन फॉस्फोरस से घट के दो फॉस्फोरस हो जाता है, और वही फॉस्फोरस जो है ऊर्जा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उपापचय के परिणाम स्वरूप क्या निकलते हैं? उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, उपचय और अपचयन दोनों के मिलते हैं, बोलते हैं उपापचय। उपचयन और अपचयन को बोलते हैं उपापचयन, उपापचय, एटीपी, है ना। उसके बाद हम लोग पीछे चले, तीन नंबर क्वेश्चन है, 26 में जो क्वेश्चन देख लीजिए। कहाँ पचन और श्वसन एक अंग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? 6 से 8 लीटर, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त तो होता है? फेफड़ा में। आलिंद मतलब होता है ऑट्रियम, और निलय माने होता है वेंट्रिकल। हाँ, दो ऑट्रियम ऊपर में, दो ऑट्रियम राइट और लेफ्ट, वेंट्रिकल दो ठो नीचे में, राइट और इधर लेफ्ट, आलिंद और निलय, है ना। जैसे साहिल जी को हम अपने दाहिने आलिंद में रखते हैं हमेशा छिपा के, है कि नहीं। अब उस सबको बाया आलिंद में रखते हैं, दाया में साहिल को रखते हैं, दाया आलिंद में। हाँ सही बात है, करेक्ट, कुछ नहीं समझे। नहीं, दिल नाम का चीज तो होता ही नहीं है, विज्ञान जीव विज्ञान की भाषा में दिल नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ हृदय नाम का चीज़ है, जिसमें आलिंद और निलय है। आलिंद में ऑक्सीजन है, निलय में कार्बन डाइऑक्साइड है। नहीं, आलिंद में आता है, निलय से जाता है, आलिंद से आता है, निलय से निकलता है। तो यहाँ पे कहाँ पाचन, ये तो हम लोग कर ही लिए थे। सही बात है, एक बार साहिल जी का टूटा था, एक बार हम टूटा तो WT गिर गया रहा अमेरिका में। सुनिए, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था दुनिया में? सबसे पहले एनारोबिक की बैक्टीरिया ही आए थे, जीव नहीं आए थे। हाँ, एक सामान्य मनुष्य एक मिनट में कितना सांस लेता है? 14 से 18 बार। और हमारा पल्स रेट कितना है? 72 बार नॉर्मल, 72 बार। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। हाइबरनेशन क्या है? जब जाड़ा का दिन आता है तो
तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जो भी कोल्ड ब्लडेड है, छिपकली गिरगिट भी कोल्ड ब्लडेड है, सांप भी, वो अपना सो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइबरनेशन, शीत निद्रा। हाँ, मैंने उसके बॉडी में कुछ कोई हरकत नहीं, आप उसको मेंढक को लोग मिट्टी समझता है, मिट्टी जैसा होता है, मिट्टी में सड़ा रहता है, उसको मिट्टी फेंक देता है उठा के, जबकि वो मेंढक रहता है। और जैसे ही पानी बरसेगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, वो टटराना शुरू कर देगा, उसको बोलते हैं शीत निद्रा। सब सीधा जो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो शीत निद्रा में चली जाती है। बड़ी मछलियाँ जो से जो मांगुर वगैरह, वो घुस जाता है कीचड़ के अंदर, बहुत अंदर मिट्टी में घुस जाता, धस जाएगा, हो जाता है। एक बार साहिल जी को खाना था, निकाले थे, तो बेचारी सोई हुई थी, मेरे जब जागेगी तब खाएंगे, है ना, नम त्वचा के द्वारा। आइए भागे भागे आगे, चलिए चलिए चलिए। हाँ ये है क्या? अरे नहीं, हम आप ये सब बंद कर देंगे कहानी क्लास से, ठीक है। ये देखिए, ये वाला हो गया। 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं आप साहिल जी? आपके फेफड़े में कितना लीटर हवा रहता है? 6 से 8, 6 से 8 लीटर हवा कैसे रहेगा लीटर में? और हवा लीटर में कैसे हो सकता है? हवा लीटर में कैसे होता है बताइए, किसी को आइडिया है? हवा को लीटर में कैसे नापते हैं? हम लीटर में कैसे नापेंगे हवा को? एक लीटर बराबर कितना किलोग्राम? हाँ 900 ml, करेक्ट। 1 लीटर में 900 ml तो मिलीलीटर हो गया ना, बट किलो को लीटर में कैसे बदलिएगा? किलोग्राम को लीटर में बदलिए। 1 किलोग्राम बराबर कितना लीटर? 1 किलोग्राम बराबर कितना लीटर? आपके इस घर में टंकी होगा पानी का, 1000 लीटर बराबर 1 किलोग्राम। तो पानी के लिए 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम पानी के लिए, बाकी दूसरे लिक्विड के लिए अलग अलग। और हवा जो होती है वो मीटर में होती है, मीटर में ना, जैसे हाँ इस रूम में कितना हवा है तो मीटर में नापेंगे। तो हमारा पानी का जो टंकी है वो 1000 लीटर का होता है, वो 1 m³ होता है, मैंने 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा, उसमें उसको बोलते हैं 1000 लीटर। तो उसी तरह हवा को भी हमारे फेफड़े का जो एरिया है उसको सेंटीमीटर में बदल के जब हम मीटर में बदलेंगे, और उसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे इस मेथड से कि 1000 लीटर बराबर 1 m³, तो ही आएगा 6 से 8 लीटर। मैंने हमारे फेफड़े के अंदर जो हवा का वॉल्यूम है, आयतन है, उस आयतन के बराबर लीटर 6 से 8 होता है, 6 से 8 लीटर हवा हो रहता है। हवा हवा जैसे 80 वर्ग मीटर² बोला, उसका सरफेस एरिया पूरा बाहर का, लेकिन बंद कितना आयतन है? बंद में बंद का जैसे गुब्बार, हवा हवा लीटर लीटर प्रेशर में नहीं आएगा, प्रेशर में होता है एटीएम, है ना, या फिर बार। वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। एटीपी क्या है? देखिए इसका अगला है। एटीपी जो है ये है उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु, हाँ फॉस्फेट बॉन्ड का एक अणु, एडीपी। हाँ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो ट्राई है मैंने उच्च, ट्राई मतलब उच्च है, और डाई रहता तो थोड़ा उच्च। जलचर में भूचरो जलचर में भूचरो की अपेक्षा, लोग बोलते हैं ना भूचर कहीं का, तो ये बेसिकली यही है। करेक्ट, आप बोलते ना भूचर है, तो जलचर में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से देखी जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का, घुली ऑक्सीजन की मात्रा से कम होना। हवा में, पानी में सबसे ज्यादा कौन घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, ठीक है। तो जलचर में श्वसन तेज होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो जल्दी सांस लेता है। मछली को देखिएगा जल्दी ऐसे से पड़कता रहेगा, गिलो सा हिलता रहेगा जोर जोर से, ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन सा भाई ये तो ही क्या था? मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है, और तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक कौन लिया जाता है? ग्लूकोज। किस ऊर्जा का, किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? उत्सर्जन में, है ना। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? भोजन। चलिए और क्या है? या ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में
एपीटी एटीपी उल्टा एटीपी अणु उत्पन्न होते 38, और अगर एडीपी रहेगा तो दो। अवायवीय श्वसन में दो एडीपी निकलता है, दो एटीपी निकलता है और एटीपी 38। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में, ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज पाइरूविक एसिड, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज पाइरूविक एसिड, ठीक है। ये सब टर्म लिख लीजिए, ग्लूकोज पाइरूविक एसिड, ठीक है। आगे बढ़े, लिखिए ग्लाइकोलाइसिस डैश ग्लूकोज पाइरूविक एसिड, ज्यादा ज्यादा नहीं लिखना है, सब मत लिखिएगा। पाइरूविक ये केमिकल कंपाउंड है ना, जिसे पाइरूवेट कहते हैं। जैसे हम लोग के पेट में जो ग्लूकोज फंसता है ना, तो वो पाइरूविक एसिड पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर टूटता है ना, वो केमिकल कंपाउंड है। जैसे फॉर्मिक एसिड ऑक्सिलिक एसिड उधर पाइरूविक एसिड, ठीक है। एन सेकेंड मंड मतलब होता है मंड, देखिए मंड का एग्जैक्ट इंग्लिश क्या है देखना पड़ेगा, रुकिए। मंड ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक देख लेंगे इंग्लिश वर्ड क्या है। फ्रुक्टोज सुक्रोज भी होता है, सुक्रोज तो हम लोग जो चीनी खाते वो है, जो कार्बोहाइड्रेट है जो डाई सेक्राइड रहता है उसको बोलते हैं सुक्रोज। और सुक्रोज आपका ये भी है, सेलुलोज भी सुक्रोज ही है। दुनिया में जैसे कोई भी पेड़ का जो प्लांट का कुछ भी पार्ट है वो सुक्रोज है ना। हमारा जो चीनी है वो भी सुक्रोज है। और है नहीं, हाँ ये वाला तो हो गया ना, बस एक देख लेते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये वाला देखिए, श्वसन अपचयन प्रक्रिया है, अपचयन मैंने टूटने की प्रक्रिया है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं उपचयन। तो एना और कैटा को मिला के बोलते हैं मेटा, उपचयन और अपचयन को मिला के उपापचयन। एक ग्राम ग्लूकोज में 38 एटीपी बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं, बहुत बचपन से जान रहे हैं, है कि नहीं। आप नहीं हो आप लिख लो, है ना। ये लोग सब बाबा है, पीछे वाले लोग साहिल बाबा उत्सव बाबा उत्सव पर बाबा, आप नए हो आप लिख लीजिए। नहीं उत्सव जी हम भाई सॉरी, निश्वासित वायु में ओटू की कितनी मात्रा होती है? 17%। निश्वासित मैंने छोड़ा हुआ सांस, निष्कासित या निश्वासित निर्वासित। कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? केचुआ, क्योंकि वो स्किन से ही करता है। और तिलचट्टे में श्वसन अंग ट्रैकिया से ही करता है, उसका ये लंग से फेफड़ा नहीं रहता, पाइप से ही कर लेता है ट्रैकिया। हाँ तीन चैम्बर होते हैं, आठ है, तीन आठ होता है इसमें ऑक्टोपस में, ऊपर से पीछे तक रहा, हाँ सब पीछे तक रहता है। और तिलचट्टा एक ऐसा जानवर कहीं मरता नहीं है, ब्लू ब्लड व्हाइट ब्लड येलो इसके के लिए येलो इस ब्लड होता है ऑक्टोपस में। हाँ स्कॉर्पियो कलरलेस। आगे देखिए। और है तो नहीं तो खत्म करिए बस, देख ले। हाँ ये देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम करने से थकान होती है, किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। और बुढ़ापा में ऐसे भी लैक्टिक एसिड जमा होता है तो बोलता है जोड़ों में दर्द हो गया। और कौन ऑक्सीकरण ज़्यादा होता है, करेक्ट। और आपका श्वसन जो है किस में होता है? फूल में, पत्ती में। अगर पत्ती और तना रहेगा तो किस में करिएगा? हमेशा पत्ती में। पत्ती में कहाँ होता है? उसका क्या नाम है? स्टोमाटा में। स्टोमाटा से तो श्वसन, हाँ स्टोमाटा से होता है,
स्टोमेटा से एक्सचेंज होता है। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? स्टोमेटा को रंध्र पत्ती में होती है, पत्ती के नीचे क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर ग्राना क्वाइन जैसा स्ट्रक्चर है, ग्राना में बनता है पत्तियों का फूलों का खाना। हाँ, अब अभी पूछे क्योंकि बहुत पूछ लिया, अब हल्का हल्का जिस सब पूछ लिया, अब देख रहे ना सारा चीज़ वो पूछ चुका, अब इतना सबको पता है क्लोरोफिल का, बच्चा बच्चा बता देता आजकल। हाँ, ग्राना बनता खाना, ग्राना कहाँ है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ? क्लोरोप्लास्ट का होता है प्लास्टिड में, प्लास्टिड सेल का ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड तीन तरह का, क्लोरो और क्रोमो, ठीक है। आगे देखिए फटाफट, हो गया खत्म करें, लास्ट अब नहीं आएगा तो खत्म कर देंगे, बस खत्म, बस देख लेते अभी आएगा नहीं तो, जहाँ पे खत्म वहाँ खत्म। तो थैंक यू वेरी मच।